टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 16 मई से 22 मई तक के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। केंद्र सरकार ने किस राज्य के प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर है कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। इसे ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रहे सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या है जिसे 3 और वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को 31 मार्च 2023 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पे आउट की गारंटी प्रदान करना है। इसमें निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है और पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष है। हालांकि इस योजना ने पिछली बार 8% रिटर्न का आश्वासन दिया था, लेकिन इस साल यह दर 7.4% वार्षिक होगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अनुरूप ब्याज दर को हर साल संशोधित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना किस क्षेत्र के लिए साख प्रदान करने से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 9.25% की दर से आपातकालीन ऋण दिया जाएगा। गारंटीड आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा के अनुरूप पात्र में एमएसएमईज और मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए छूट प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B प्रकार की कंपनियों के लिए। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि 50 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों और केवल B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन में शामिल होने पर रुपे कार्ड, भीम UPI या UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा केवल भुगतान स्वीकार करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है। देश में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम 2019 में धारा 269SU जोड़ा गया था, जिसके तहत 50 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री अथवा टर्नओवर वाली कंपनियों के ई पेमेंट्स को अनिवार्य कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है और इसके लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के साथ भागीदारी करके उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की। राज्य ने इससे पहले राज्य में स्टार्टअप के गठन में तेजी लाने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी सौंपी।
प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा और राज्यों के युवाओं को स्टार्टअप हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार वहां के अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम समयावधि क्या है? इसका सही उत्तर है 15 साल। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 को हाल ही में अधिसूचित किया। सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन की समयावधि होगी, जिसके बाद आवेदक अपीलीय अधिकारी से संपर्क कर सकता है। वह सभी लोग जो 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में निवास करते रहे हैं या जिन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया है और वे कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, इसके पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष तक सेवाएं देने वाले सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी इसके पात्र हैं। अब पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी WPR स्वच्छता कार्यकर्ता और जम्मू कश्मीर के बाहर विवाहित महिलाओं के बच्चे भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्र होंगे। भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 अश्वशक्ति वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है एल्स्टॉम। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 अश्वशक्ति क्षमता वाले इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति पर 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है। इस लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया के पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा किया गया है। भारत का पहला 12,000 अश्वशक्ति क्षमता का लोकोमोटिव बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको कारखाना द्वारा निर्मित किया गया है, जिसका WAG 12 क्रमांक 60027 है। इस लोकोमोटिव का निर्माण 74% और 26% की भारतीय और फ्रांसीसी हिस्सेदारी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया है। भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है दिलीप ओमन। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO दिलीप ओमन ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन ने ISA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में संपन्न हुए बोर्ड की बैठक में अगले 2 वर्षों के लिए दिलीप ओमन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है अम्मान, जॉर्डन। 19 मई 2020 को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, जिसका मुख्यालय जॉर्डन के अम्मान में है, को $2 मिलियन की राहत सहायता प्रदान की। इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में किया जाएगा। भारत ने UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी में अपना वार्षिक योगदान 2016 के $1.25 मिलियन से बढ़ाकर 2019 में $5 मिलियन कर दिया था। 2020 में भारत ने $5 मिलियन का अतिरिक्त योगदान दिया। हमारा अगला प्रश्न, सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल यानी कि तूफान के मुख्य केंद्र का जमीन से टकराना किस द्वीप पर हुआ? इसका सही उत्तर है सागर द्वीप। रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कोलकाता के अनुसार यह लैंडफॉल 20 मई 2020 को 2:30 बजे दोपहर से शाम को 7 बजे तक हुआ। लैंडफॉल की सूचना पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप, जो कि सुंदरबन का एक द्वीप है, में हुई है। यह पश्चिम बंगाल के दीघा यानी कि पूर्वी मिदनापुर और बांग्लादेश के हटिया के बीच में स्थित है। लैंडफॉल के समय इस तूफान की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर दर्ज की गई। 1999 के बाद यह दूसरा सुपर साइक्लोन है जो बंगाल की खाड़ी में उठा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय को WHO के कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है?
इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं। उन्होंने 22 मई को पदभार ग्रहण किया। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 19 मई को भारत की ओर से हर्षवर्धन के नाम का निर्विरोध चयन किया गया। इससे पहले WHO के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने 3 साल के लिए भारत को बोर्ड मेंबर्स में शामिल करने पर सहमति जताई थी। बोर्ड के चेयरमैन का जो पद होता है वह कई देशों के अलग अलग ग्रुप में एक एक साल के लिए दिया जाता है। पिछले वर्ष यह तय हुआ था कि अगले 1 साल के लिए यह पद भारत के पास रहेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। यह मीटिंग जनवरी और मई में साल में 2 बार होती है। इस बोर्ड का काम हेल्थ असेंबली में तय होने वाले फैसले और नीतियों को सभी देशों में ठीक तरह से लागू करना होता है। गौरतलब है कि वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट 15 जून से इस नए बैंक का काम करना शुरू करेंगी। उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपर्ट माना जाता है। वह पिनेलोपी गोल्डबर्ग की जगह लेंगी। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। उनकी चर्चित किताब दिस टाइम इज डिफरेंट 8 सेंचुरीज ऑफ फाइनेंशियल फॉली 2009 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने ये किताब केनेथ रोगोफ के साथ मिलकर कर लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, उस विशेषज्ञों की समिति के अध्यक्ष कौन है हाल ही में जिनकी रक्षा सुधार संबंधी सिफारिशों को स्वीकार और लागू किया गया है? इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकातकर। सरकार ने हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकातकर सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया है। यह 3 सिफारिशें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं, जो सड़क निर्माण में तेजी लाने पर केंद्रित हैं। एक अन्य सिफारिश सड़क निर्माण परियोजनाओं को आउटसोर्स करना था, जो BRO की इष्टतम क्षमता से परे हैं। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड को 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों के निष्पादन के लिए अपनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में COVID-19 से लड़ने के लिए विकासशील देशों की मदद के लिए किस देश ने $2 बिलियन के फंड की घोषणा की? इसका सही उत्तर है चीन। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां संस्करण हाल ही में आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली आयोजित किया गया। इसका आयोजन आमतौर पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाता है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। भारत ने अन्य 122 देशों के साथ प्रमुख सम्मेलन पत्र का समर्थन किया, जो COVID-19 को लेकर विश्व की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने का प्रस्ताव देता है। चीन ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 17 मई को मनाए जाने वाले विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप लीग ने वैश्विक COVID-19 महामारी के कारण विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 के उत्सव को 17 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के लिए इस वर्ष का विषय है अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। उच्च रक्तचाप एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो दिल का दौरा, स्ट्रोक, गुर्दे की विफलता और अंधापन के जोखिम को बढ़ाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष
कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 18 मई। समाज के विकास में संग्रहालय कितने महत्वपूर्ण हैं, इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने हेतु 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय है समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश, म्यूजियम्स फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। 1997 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी कि ICOM द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों का संवर्धन और पारस्परिक समझ का विकास, लोगों के बीच सहयोग और शांति के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में जागरूकता बढ़ाना है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रुप ऑफ लॉरियंट्स में कौन भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल है जिसने सभी सरकारों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने का सुझाव दिया है? इसका सही उत्तर है कैलाश सत्यार्थी। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी सहित दुनिया भर के लगभग 88 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने एकजुट होकर विश्व सरकारों से आह्वान किया है कि वे COVID-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करें। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य उल्लेखनीय व्यक्तित्व, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन, मानवाधिकार कार्यकर्ता डेसमंड टूटू इत्यादि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में FDI सीमा की प्रस्तावित सीमा क्या है? इसका सही उत्तर है 74%। वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों में से एक मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार उन हथियारों और प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित करेगी जिन्हें आयात नहीं किया जाएगा और केवल घरेलू उद्योगों से खरीदा जाएगा। हर साल सशस्त्र बलों के परामर्श से इस सूची का विस्तार किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक MRO हब बनाया जाएगा, इस संदर्भ में MRO किस क्षेत्र से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है विमानन क्षेत्र। हाल ही के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार को विमानन के वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी कि MRO हब बनाने के लिए कदम उठा रही है। विमानन पुर्जों की मरम्मत और एयरफ्रेम रखरखाव उद्योग 3 वर्षों में ₹800 करोड़ से बढ़कर ₹2,000 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत इस अवसर का उपयोग कर सकता है। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल के आधार पर 6 और हवाई अड्डों के नीलामी की भी घोषणा की। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का कार्यकाल कितना है? इसका सही उत्तर है 5 साल। 15 मई 2020 को रक्षा मंत्री ने रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना को अनुमोदित किया। इस योजना को ₹400 करोड़ की अनुमानित राशि पर लागू किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन और देश के 41 ऑर्डिनेंस कारखानों ने गोला बारूद, आग्नेयास्त्रों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के लिए परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया है। यह विशेष रूप से MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के बीच देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। किस संस्था ने कोरोना अध्ययन श्रृंखला प्रकाशित की जिसका शीर्षक साइकोसोशल इंपैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप विद है? इसका सही उत्तर है NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT इंडिया ने कोरोना स्टडीज श्रृंखला को साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप विद शीर्षक से प्रकाशित किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने
हाल ही में इस श्रृंखला के सात शीर्षकों के प्रिंट और ई संस्करण जारी किए हैं। इस श्रृंखला को एक अध्ययन समूह द्वारा तैयार किया गया है, जिसने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ कंपोनेंट को मजबूत करने की भी सिफारिश की है। किस राज्य द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा? इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली का उपयोग करेगा। इसने राज्य के दो जिलों में पहले ही यह पायलट प्रोजेक्ट को लागू कर दिया है, ताकि यह निगरानी की जा सके कि निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता वाला पीने योग्य पानी नियमित रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रदान किया जाता है या नहीं। राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2020-21 के दौरान 11.15 लाख घरेलू नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के घाघरा नदी में छोड़े गए घड़ियाल किस प्रजाति के परिवार से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है मगरमच्छ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन प्रभाग ने घाघरा नदी में लगभग 40 घड़ियाल छोड़े। घाघरा गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गेवियलिस गैंगेटिकस है और इन्हें आमतौर पर मछली खाने वाले मगरमच्छ कहा जाता है। घड़ियाल IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफायती व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE का सफलतापूर्वक पेटेंट कराया है? इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा विकसित कम लागत वाले व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों यानी PPE के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सहयोग से एक पेटेंट दायर किया गया। नौसेना द्वारा विकसित यह उपकरण एक विशेष कपड़े से बना है, जो बाजार में उपलब्ध अन्य PPE के मुकाबले उच्च गुणवत्ता और उच्च श्वसन क्षमता प्रदान करता है। PPE के एक पायलट बैच का उत्पादन पहले ही मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? इसका सही उत्तर है 1.2%। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का अनुमान 2020 में 3.2% कम होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत राष्ट्रीय लॉकडाउन के प्रभाव के कारण 2020 में 1.2% की दर से वृद्धि करेगा। भारत के लिए UN ने पहले ही वर्ष 2019 में 4.1% की निम्न विकास दर का अनुमान लगाया था। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत धीरे धीरे अपनी विकास दर हासिल करेगा और वर्ष 2021 में 5.5% तक की विकास दर प्राप्त करेगा। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।